सो हेलो भाइयों, कैसे हो आप सभी। तो यार आपका स्वागत है हमारे ड्रैग हेड शूटर यूट्यूब चैनल पर। तो यार आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं कि आपके फ़ोन के रैम के हिसाब से कौन सा फायर बटन साइज आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आप जो है इस फायर बटन साइज को कॉपी करके जो है ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप हेडशॉट जो है अच्छे तरीके से मार पाओगे। तो यार वीडियो को लास्ट तक देखते रहो क्योंकि वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर हम बात करने वाले हैं 1 एंड 2 GB रैम वाले फ़ोन की। तो 1 एंड 2 GB रैम वाला फ़ोन अगर आपके पास है तो आप जो है अपना फायर बटन साइज 70-85 भी रखो, क्योंकि हमारा जो है 1 एंड 2 GB रैम वाला फ़ोन का सेंसिटिविटी बहुत ही कम होता है। क्योंकि अगर सेंसिटिविटी कम होगा तो आपका जो है फायर बटन बड़ा रखना पड़ेगा, तो क्या होगा कि आपका एम जो है एनिमी के बॉडी के ऊपर लॉक हो जाता है। तो वो लॉक नहीं होगा अगर आपका फायर बटन साइज बड़ा रहेगा, तो आप जो ड्रैग अच्छे तरीके से कर पाओगे और आप जो है हेडशॉट वगैरह बहुत ही ईजिली तरीके से मार पाओगे। तो अब बात करते हैं 4 to 6 GB रैम वाले फ़ोन की। तो 4 और 6 GB रैम वाला फ़ोन अगर आपके पास है, इन दोनों में से फ़ोन अगर आपके पास एक भी है, तो आप जो है अपना फायर बटन साइज 60-75 रखो। क्योंकि जो है 4 एंड 6 GB रैम वाला फ़ोन जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है 1 एंड 2 GB के मुताबिक, यानी कि उससे थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिविटी होता है। तो आप जो है 60-75 भी रखो, क्योंकि ये फायर बटन साइज आपके लिए एनाफ है, बहुत ज़्यादा है। और आप जो है इससे थोड़ा सा ड्रैग करोगे तो आपका जो है हेडशॉट या फिर वन टैप हेडशॉट लग जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम जो है 8 GB रैम वाले फ़ोन की। तो 8 GB रैम वाला फ़ोन अगर आपके पास है तो आप जो है अपना फायर बटन साइज 55-65 ही रखो, क्योंकि 8 GB रैम वाला फ़ोन का जो है सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है। इसमें जो है आप जो है जितना छोटा फायर बटन रखोगे और थोड़ा सा ड्रैग करोगे, बहुत ही कम ड्रैग करना पड़ेगा आपको, और आपका जो है वन टैप या फिर ड्रैग हेडशॉट लग जाएगा। तो आप जो है इतना ही रखो 55-65। और आप इसे अगर छोटा रखना चाहते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम बन के आ जाता है। और प्रॉब्लम होता है कि आप जो है ज़्यादा छोटा रखोगे तो आपका फायर बटन में आपका उंगली जो है प्रेस नहीं होगा, आपका जो स्क्रीन पे प्रेस हो जाएगा और आपका जो है कैमरा मूवमेंट होगा, तो आपके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम दिखाई देगा। तो आप जो है थोड़ा सा बड़ा फायर बटन रखो ताकि आपका जो है उंगली वो प्रेस कर पाए और आप जो है अच्छे से ड्रैग कर पाओ। इस वीडियो पे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है फायर बटन पे टच करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन टच जो है नहीं हो रहा है, कैमरा मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसा ही आपके साथ हो सकता है। तो आप जो है फायर बटन 55 से लेकर जो है 80 के अंदर आप कोई भी फायर बटन साइज आपके हिसाब से चूज़ कर सकते हो। मेरा जो है 2 GB रैम वाला फ़ोन है तो मैं जो है 80 रखता हूँ, क्योंकि 80 साइज में जो है बहुत ही अच्छे से वन टैप हेडशॉट और ड्रैग हेडशॉट मैं मार लेता हूँ। तो आप भी जो है रख सकते हो अगर आप रखना चाहते हो तो। तो यार यही था कि आप जो है इस फायर बटन साइज को कैसे जान पाओगे कि कौन सा फायर बटन साइज आपके लिए सबसे बेहतर है। आप जो है ट्रेनिंग लगाओ और थोड़ा थोड़ा करके जो है फायर बटन साइज को बढ़ाओ एंड कमाओ, मतलब घटाओ, तो आप जो है समझ जाओगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। तो यार यही था वीडियो जो है फायर बटन साइज के ऊपर। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। और अगर आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट करके देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। तो यार मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। सो यार बाय।